मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर गुरु का बाग के पास बिहार सरकार के द्वारा 58 करोड़ की लागत से बनाए हुए बहुउद्देश्यीय प्रकाश पुंज भवन का निरीक्षण किया। वहीं यात्रियों के ठहरने के लिए 15 करोड़ लागत से बनाए गए पंजाब भवन का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना सिटी SDO मुकेश रंजन समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तो पोर्टल है, ये तो गैलरी है। 2017 में जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जयंती के अवसर पर किस बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ का आयोजन किया गया था, तो उसी समय ये तय हो गया कि हम लोग ये सब जगह का भवन का निर्माण करेंगे और ये सब सारा काम करेंगे। तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है, जितनी चीज़ों को रखवाना है, वो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमको देर लग रहा था, तो हम कह रहे हम जाकर के देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। तो आज लेकर के जो भी हमको बताना था, वो जो समय हम लोगों ने शुरू में तय किया था, हमने अभी के सभी अधिकारियों को बता दिया। अब उसी हिसाब से करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि इसी साल अंत तक कम से कम ये पूरा हो जाए। तो तस्वीरों में छात्राओं को पढ़ाते जो दिख रहे हैं वो बाढ़ अनुमंडल के SDM सुमित कुमार हैं। SDM अचानक राज्य संपोषित गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचे और छात्राओं को मौलिक कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में पहुंचे सुमित कुमार ने देखा कि छात्रा पंचतंत्र की पढ़ाई कर रही है। SDM ने सभी छात्राओं को मॉरल बूस्टअप करते हुए कहा कि जो बच्चे मैट्रिक में प्रथम डिवीजन से पास होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। करीब एक घंटे तक SDM ने बच्चों से कई तरह के सवाल जवाब किए। इस दौरान अनुमंडल के कई अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ नहीं, घर पे। कहाँ से बनता है, ठीक है, उसमें 96 वर्ड है। अभी तुम लोगों का नहीं हुआ है ना।